हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा साइन 125 बेसिक्स मॉडल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूं इस बाइक के बारे में। आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहा था फ्रेंड्स, और मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर कि मेरी बजट कम है, मैं एसपी 125 के लिए नहीं जा सकता हूं, तो क्या मैं साइन के लिए जा सकता हूं, मतलब बेसिक्स मॉडल में अब ये बाइक लेने में फायदा है या नहीं, या आपको एसपी के लिए जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको इस बाइक में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बेसिक्स मॉडल में, और क्या ये बाइक अब वैल्यू फॉर मनी रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देख लें अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप बाइक लेने का सोच रहे थे तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करना चाहेंगे बाइक लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बाइक का प्राइसिंग। तो ये बाइक आपको टोटल दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है, एक ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट में फ्रेंड्स आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, और डिस्क ब्रेक वेरिएंट में फ्रेंड्स आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करना चाहेंगे ड्रम ब्रेक वेरिएंट के बारे में, तो उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको लगभग 83,000 रुपीस के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के लिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको 88,000 रुपीस के अप्रॉक्स में पे करना पड़ेगा। तो ये ऑन रोड प्राइस फ्रेंड्स जो है ये आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है आपके एरिया में आरटीओ और इंश्योरेंस चार्जेस थोड़े से डिफरेंट हो, बट अप्रॉक्स में आपको यही प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो प्राइसिंग के हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो आपको इसका जो एसपी से है वो काफ़ी कम प्राइस देखने को मिल जाता है, आपको 5 to 7,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है अगर आप 125 सीसी सेगमेंट की बाइक लेने का सोच रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करना चाहेंगे इस बाइक के इंजन के बारे में, तो इस बाइक में आपको फ्रेंड्स सेम इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आपको एसपी 125 में देखने को मिलता है, बस उसे थोड़ा सा जो ट्यूनिंग है उसे चेंज किया गया है इस बाइक में। तो इस बाइक में फ्रेंड्स आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्टॉक 2 वाल्व बेसिक्स कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.74 पीएस का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm का। तो अगर आप पावर एंड टॉर्क फिगर्स में देखते हैं तो आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा एसपी के कंपैरिजन में। इस बाइक में आपको जो टॉर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा, क्योंकि इसमें कंपनी जो टॉर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करती है, और इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा सेम एसपी वाला। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में इसमें फ्रेंड्स आपको सेम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको एसपी 125 में देखने को मिलता है। अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट के लिए जाते हैं तो फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करना चाहेंगे कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको इस बाइक में कंपनी इस बार न्यू ऐड किया है, जो कि फ्रेंड्स आपको इसमें होंडा इको टेक्नोलॉजी जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिलता है, और इसमें फ्रेंड्स आपको होंडा का ESP भी देखने को मिल जाएगा, इनहेंस स्मार्ट पावर। अब बात करना चाहेंगे इस फीचर्स के फायदा और बेनिफिट्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स HET के बारे में। तो इससे फ्रेंड्स आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो इंजन का जो फ्रिक्शन होता है वो आपका कम होता है, जिससे कि इस बाइक का जो माइलेज है और परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, और ESP से भी फ्रेंड्स आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिलता है माइलेज और परफॉर्मेंस में। तो ये दो फीचर्स कंपनी इसमें ऐड की है। और बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएगा और रियर में आपको इसमें हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स देखा जाए तो इसका सस्पेंशन कंपनी आपको काफी अच्छा ऑफर करती है। अगर आप इंडियन रोड्स के हिसाब से देखते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई पॉटन्स वगैरह आपको इजिली फील नहीं होगा, तो सस्पेंशन से भी लेकर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके वेट के बारे में, तो ये बाइक जो है फ्रेंड्स वो आपको काफ़ी लाइट वेट देखने को मिलती है। इस बाइक का जो वेट है वो आपको 115 kgs का ही देखने को मिलता है। अगर आप इसे एसपी से कंपेयर करते हैं तो एसपी का वेट फ्रेंड्स आपको 123 kgs के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इस बाइक का जो वेट का है उससे फ्रेंड्स आपको इसमें माइलेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एसपी। और बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके सीट हाइट के बारे में, तो इसका जो सीट हाइट है वो आपको 791 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्स में आपको सेम सीट हाइट देखने को मिलता है एसपी के कंपैरिजन में। तो अगर आपकी हाइट फ्रेंड्स 5'3" से लेकर 5'6" के बीच में है तो आप इस बाइक को इजिली मैनेज कर सकेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करना चाहेंगे इसके व्हील बेस के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको 1285 mm का व्हील बेस कंपनी ऑफर करती है, और इसमें आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो इंडियन रोड्स के हिसाब से आपको एडिक्वेट ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके टायर्स के बारे में, तो इसमें जो आपको टायर्स है वो 80x100 का 18 इंच का देखने को मिलता है फ्रंट में, और रेयर में भी आपको कंपनी इसमें सेम टायर्स ऑफर करती है। तो फ्रेंड्स कंपनी अगर चाहती तो इसमें रेयर में आपको थोड़े से अगर व्हाइट टायर्स ऑफर करती तो इसका जो ग्रिप है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता, बट अब यहाँ पर फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्राइस कट करने के चक्कर में कंपनी ने इसमें जो है वो टायर्स थोड़े पतले आपको ऑफर कर दिए हैं। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो कंपनी इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर कर सकती थी, बट यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ एनालॉग मीटर कंसोल ऑफर किया।
अब बात करना चाहेंगे इसके लाइट्स को लेकर, तो इसमें आपको हेलोजन लाइट्स ही देखने को मिलता है, एलईडी लाइट्स का कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है। तो अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो इस बाइक में फ्रेंड्स आपको प्रोज तो इंजन वगैरह आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बट इसके टायर्स वगैरह और इसका जो मीटर कंसोल वगैरह है वो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे प्राइस कट किया है। तो अगर कंपनी ये सब थिंग को अगर अपडेट कर देती तो ये काफी अच्छा एक आपके लिए ऑप्शन हो जाता। अब बात करना चाहेंगे इस बाइक के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं अगर आपको फीचर से उतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको मीटर कंसोल वगैरह से अगर उतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह नहीं चाहिए और एलईडी लाइट्स वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट भी इसमें एलईडी लाइट्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा मेजर कॉन्स नहीं बनता अगर आपको प्योर एक परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए और अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक लेना चाह रहे थे और अगर आपका बजट कम है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है एसपी वाला ही। तो इंजन में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं होंडा के इंजन आपको काफ़ी अच्छा कंपनी ऑफर करती है, तो आप इस बाइक के लिए भी जा सकते हैं। और बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता था। तो इस बाइक का जो माइलेज है फ्रेंड्स वो आपको सिटी में 65-70 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है अगर आप अच्छे से राइड करते हैं, अगर टाइम टू टाइम बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं और अगर आप इकोनॉमी मोड में राइड करते हैं, रफ राइडिंग नहीं करते हैं, 50-60 के बीच में राइड करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे इस बाइक से माइलेज देखने को मिल जाएगा। एसपी से आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही माइलेज देखने को मिलेगा। और बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स अगर हाईवेज की, तो हाईवे पर भी फ्रेंड्स ये बाइक आपको 70 प्लस का माइलेज ऑफर कर देगी। तो इसमें आपको 71 से 72 तक का भी माइलेज देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ये बाइक को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी रिव्यू लिया है, तो आपको अप्रॉक्स में ये 60-70 के बीच में इस बाइक से आपको माइलेज मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा इकोनॉमी हो जाता है 125 cc सेगमेंट के हिसाब से। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में मेरा फुल वर्डिक्ट। तो अगर आप इस बाइक को लेना चाह रहे थे फ्रेंड्स तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रह गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।